बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा तिलावत करने वाले से अल्लाह की जात फरमाते हैं कि मांग जो मांगना है। हम आपसे सूरह फातिहा की ऐसी शानो बरकात अहदीस मुबारका की रूह से बता रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप इस सूरह की तिलावत कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। किताब फवायदुल कुरान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स चार दफा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहकर पांचवी मरतबा कहता है, तो अल्लाह ताला का एक फरिश्ता उसको आवाज देता है कि अल्लाह ताला की तवज्जो तेरी तरफ है, उससे जो तू मांगता है मांग। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस मुबारका में फरमाते हैं कि कुरान करीम की सबसे अफजल आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, और फरमाया कि जिसके घर में गुर्बत बेसरो सामानी हो, वो अपने घर में अगर सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़े तो गुर्बत बेसरो सामानी जाती रहेगी और उसकी जगह खुशहाली आएगी। सूरह फातिहा की फजीलत के बारे में हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम एक लड़ाई में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को देखा तो फरमाया, मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। इतने में मैंने दुश्मनों को देखा कि जमीन पर गिर रहे हैं और फरिश्ते उनको आगे पीछे से मार रहे हैं। आप इन दोनों सूरह मुबारका को तिलावत करने का मामूल बना लें, और इन्हीं मुबारक सूरह का अगर नक्श घर में रखा जाए तो दुश्मनों की चालें नाकाम हो जाती हैं, उनके करवाए गए बदअमलियात बेअसर हो जाते हैं, हसूले रिस्क की राह में हायल बंदिशें टूट जाती हैं, जादू जिनात बेअसर हो जाते हैं। अगर आप में से कोई भी सूरह फातिहा या सूरह इखलास का नक्श हासिल करना चाहता है तो अभी हमसे राब्ता करे खवातीन 03079451212 पर, और मर्द हजरात 03014786 15 पर राब्ता करें। शुक्रिया।